हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकम टेक्निकल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे ये चेक कर पाओगे कि जो यहाँ पर रिसेंटली अभी भारत सरकार ने यहाँ पर सबके खाते में किसी के में 500 रुपये, किसी के में 1,000 रुपये और यहाँ तक कि 2,000 रुपये जो डाले हैं वो आपके खाते में आया है या नहीं आया। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ये आप खुद से चेक कर पाएंगे कि आपके खाते में जो भारत सरकार ने जो लॉकडाउन की वजह से जो पैसा डाला है वो आपके खाते में आया है या नहीं आया। तो उसे कैसे चेक करना है वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और दोस्तों आपके कोई सवाल हैं, सुझाव हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र पर चले जाना है, ठीक है। क्रोम ब्राउज़र पर जाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर लिखना क्या है, तो यहाँ पर लिखना है आपको यहाँ पर आपको लिखना क्या है वो ध्यान से देखिएगा, PF, ठीक है, MS, ओके। इतना लिखने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको जो मेन पेज होता है वो ये होता है, लेकिन इसे आपको नहीं खोलना है। यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाएगा PFMS नो योर पेमेंट, ठीक है। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, PFMS नो योर पेमेंट। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप ये सब कुछ डिटेल फिल करके यहाँ पर सब सर्च करोगे तो यहाँ पर आपका दिखा देगा कि जो रिसेंटली आपके अकाउंट में 500 रुपये, 1,000 रुपये, मतलब कोई भी यहाँ से पैसा आया है भारत सरकार की तरफ से, या जो खाते में आने वाले पैसे हैं, आने वाले हैं 1,000 रुपये सबके खाते में, तो वो आए हैं या नहीं आए हैं वो यहाँ पर दिखा देगा। तो चलिए हम करके देख लेते हैं कि हमारे खाते में आया है या नहीं। मेरे में तो शायद आया नहीं होगा क्योंकि मेरा जो जनधन वाला खाता नहीं है, और इसके लिए फॉर्म भी अप्लाई हो रहे हैं तो आप फॉर्म भी अप्लाई ज़रूर कर देना। तो दोस्तों हमने क्या किया है कि सबसे पहले अपनी बैंक डाल दिया, फिर उसके बाद अकाउंट नंबर डाल दिया, उस अकाउंट नंबर को री एंटर कर दिया यानी कि दोबारा डाल दिया। अब दोस्तों सिंपली हमें ये कैप्चा भरना है और यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्चा भर लेते हैं, 7A3D, और दोस्तों ये क्या है समझ में नहीं आ रहा थोड़ा, तो हम जीरो कर देते हैं, शायद जीरो ही है। और सर्च बटन पर आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं। और दोस्तों आप यहाँ पर नीचे देख सकते हो, नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी कि जो हमारा पैसा है वो हमारे अकाउंट में नहीं आया है। एक्चुअली ये जनधन वाला खाता भी नहीं है। तो सिंपली आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपनी डिटेल फिल करनी है और सिंपली यहाँ पर सब कुछ अकाउंट नंबर डाल देना, और सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि जो आपका जो पैसा है 1,000 रुपये, 500 रुपये, जितना भी है वो आपके खाते में आया नहीं आया है या नहीं। यहाँ पर आपको जहाँ पर लिखा है नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पर पूरी डिटेल में आपको सब कुछ यहाँ पर लिख के आ जाएगा, और आपके खाते में कितना रुपये है और अभी अभी कितना खाता, आपके अकाउंट में कितना खाता जमा हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी मदद से आप अपने स्कॉलर भी चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर जो जनधन वाला खाता है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, सॉरी जो पैसा आने वाला है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।